आपका 21वें दिन का मेडिटेशन, एक दुनिया जो सुरक्षित है। योर डे 21 मेडिटेशन, अ वर्ल्ड दैट इज सेफ। पिछले 21 दिनों में हमने अनेक विषयों को चुना है। हमने नकारात्मक चीज़ों और सकारात्मक चीज़ों के बारे में बात की है। हमने डर और निराशाओं के बारे में बात की है। हम में से कई लोगों को अभी भी स्वयं का ध्यान रखने के लिए स्वयं पर भरोसा नहीं है और हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। वी हैव टच्ड ऑन मैनी थिंग्स इन द पास्ट 21 डेज। वी हैव टॉक्ड अबाउट नेगेटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव थिंग्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट फेयर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। Many of us still do not trust ourselves to take care of ourselves, and we feel lost and lonely. फिर भी हम पिछले कुछ समय से अपने ऊपर काम करते आए हैं और अपने जीवन में बदलाव आते देख रहे हैं। Yet we have been working on ourselves for some time and have noticed that our lives are changing. हमारे अतीत की कई समस्याएं अब समस्याएं नहीं रही। यह सब रातों रात नहीं बदलता, लेकिन यदि हम दृढ़ता के साथ और निरंतर लगे रहते हैं तो सकारात्मक चीज़ें निश्चित रूप से होती हैं। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द पास्ट aren't प्रॉब्लम्स मोर। इट doesn't चेंज overnight. But if we are persistent and consistent, positive things do happen. तो चलिए हमारे पास जो ऊर्जा है और जो प्रेम है उसे दूसरों के साथ बांट लें। इस बात को जान लें कि जब हम अपने दिल से देते हैं तो हमें दूसरों के दिल से भी प्राप्त होता है। सो लेट्स शेयर द एनर्जी वी हैव एंड द लव वी हैव विथ अदर पीपल। नो दैट एज वी गिव फ्रॉम आवर हार्ट्स वी आर ऑल्सो रिसीविंग फ्रॉम अदर हार्ट्स। आइए अपने दिलों को खोल दें ताकि हम उसमें सबको प्यार, समर्थन और परवाह के साथ ले सकें। आइए उस प्रेम को सड़क पर रहने वाले लोगों के पास भेज दें जिनके पास न घर है न ही जाने के लिए कोई जगह। आइए हम अपने प्रेम को उनके साथ बांट ले जो नाराज हैं, डरे हुए हैं या कष्ट में हैं। आइए हम उन लोगों को अपना प्रेम भेजें जो इस ग्रह को छोड़कर जाने की प्रक्रिया में हैं या जा चुके हैं। लेट्स ओपन आवर हार्ट सो दैट वी कैन टेक इन एवरीवन विथ love.
support and caring. Let's move that love to people in the street who have no homes and no place to go. Let's share our love with those who are angry, frightened, or in pain. Let's send love to the people who are in the process of leaving the planet and those who have already left. आइए हम अपना प्रेम सबके साथ बांटें, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। आइए हम संपूर्ण ग्रह को अपने दिलों में जगह दे दें, पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को और सभी मनुष्यों को, उन लोगों को भी जिनसे हमारा नाराजगी या निराशा है, उन लोगों को जो हमारे अनुसार काम नहीं करते, और उन लोगों को जो तथाकथित पाप की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आइए उन्हें भी अपने दिलों में जगह दे दें, ताकि उन्हें एक सुरक्षा की भावना मिले और वे जानने की शुरुआत करें कि वे वास्तव में कौन है। लेट्स शेयर आवर लव विथ एवरीबडी, वेदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट। लेट्स होल्ड द एंटायर प्लैनेट इन आवर हार्ट्स, द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड ऑल द पीपल। द पीपल वी आर एंग्री एट आर फ्रस्ट्रेटेड विथ, the people we are angry at or frustrated with, those who are not doing things our way, and those who are expressing so-called evil. Let's take them into our hearts too, so that from a feeling of safety they can begin to recognize who they really are. संपूर्ण ग्रह में शांति फैलते देखें। जान लें कि इस समय आप उस शांति में योगदान दे रहे हैं। इस बात की खुशी मनाएं कि आप में मदद करने के लिए, कुछ सकारात्मक करने की योग्यता है। इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत हैं। जान लें कि यही आपके लिए सत्य है और ऐसा ही है। See peace breaking out all over the planet. Know that you are contributing to that peace right now. Rejoice that you have the ability to do something positive to help. Acknowledge how wonderful you are. Know that it is the truth for you and soul.